ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक विष दोष के बारे में। तो कल्पेश जी, आखिरकार ये चंद्र शनि का विष दोष है क्या, कैसे कुंडली में आता है, क्या क्या इसके नुकसान या फायदे हैं जो व्यक्तियों पर असर करते हैं, और साथ ही निवारण इससे कैसे मिले? आज हम बात करेंगे चंद्र शनि के विष दोष के बारे में। पहले तो विष माने जहर, ये दोष का नाम ऐसे ही नहीं लिखा गया है। विष माने जहर, इंसान पी लेता है तो मर जाता है, लेकिन विष दोष वाला जो इंसान होता है ना, वो मर मर के जीता है, इसको बोलते हैं विष दोष। तो ये दोष लगता है चंद्र और शनि से। चंद्र अपना मन है और शनि एक वैराग्य है, शनि एक कष्ट है। तो जब मन पे कष्ट आता है तो वो चंद्र शनि साथ में या उसके आमने सामने या एक दूसरे की दृष्टि में होते हैं, तब ये विष नामक दोष रचा जाता है। तो विष नामक दोष में इंसान को ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई इंसान ऐसा बोलेगा कि मुझे तो तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बात बता दूँ, विष दोष तो जब आप पैदा हुए तब से लगा, लेकिन आपको उसकी असरें कब से शुरू होनी, तो पहले एक बात बता दूँ, चंद्र यानी माँ है, शनि यानी वृद्ध इंसान है, चंद्र यानी बच्चा है, शनि यानी कष्ट है। तो जैसे ही आप पैदा होते हो उसके बाद माँ को यदि तकलीफ शुरू होती है तो समझ लो कि ये विष दोष आपको असर कर रहा है। दूसरे नंबर में कि विष दोष से और क्या होता है, तो विष दोष से पहले ही बताया कि मानसिक चिंताएं आती है। और चंद्र एक गतिगा ग्रह है, यानी चंद्र सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन शनि ऐसा ग्रह है, राहु केतु भी ऐसे है कि डेढ़ साल में निकल जाते हैं, लेकिन शनि ढाई साल रहता है। सारे लोग शनि से परेशान हो जाते हैं कि शनि से मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन वो कार्य की गति में जो अवरोध पैदा होता है वो विष दोष करता है। अब ये चंद्र एक बच्चा मानोगे और शनि को एक वृद्ध इंसान मानोगे, तो बच्चे को यदि बोला जाता है कि वृद्ध इंसान को आपके दादा को आपको साथ में लेके आता आना है, तो वो चंद्र यानी बच्चे की गति में जो अवरोध पैदा हुआ वो होता है विष दोष। और विष दोष वाला इंसान हर हमेशा अपने कार्य में डिले होता है, उसके कार्य में वो जहाँ पहुँचना चाहता है वो टाइम से नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि चंद्र यानी उसकी मन की गति को शनि ने अवरोध पैदा कर लिया। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा मित्रों कि विष दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है, लेकिन यदि उसमें आपका चंद्रमा बलवान है, आपका शनि बलवान है, तो आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिल सकता है। और दूसरी एक बात बताना चाहूँगा कि चंद्र शनि ये जाहिर जीवन के अंदर भी वो उसकी असरें होती है। जैसे जभी जभी चंद्रमा के सामने शनि होता है या चंद्रमा के साथ शनि होता है, इसमें दृष्टि संबंध जो बोलते हैं, चंद्रमा के सामने जब शनि होता है प्रतियुति में होता है, तब प्लान या तो नहीं आता है या तो प्लान डिले होता है, गाड़ियां लेट हो जाती है, ये सारी चीज़ें, या तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ आप नहीं पहुँच सकते हो, ये सारी चीज़ें चंद्र शनि में आती है। हाँ, एक इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग यदि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, वाहन व्यवहार में किसी भी प्रकार जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए चंद्र शनि ही बेनिफिट करता है, क्योंकि चंद्र शनि ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम करता है। दूसरे नंबर, क्योंकि कारक यानी मेष लग्न की कुंडली जो होती है कारक की, वो उसमें चौथा स्थान जो बोलते हैं वो चंद्रमा का आता है, उसका आधिपत्य चौथे स्थान को दिया हुआ है, और चौथा स्थान ही रोड माता वो और अपना हृदय बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से पैदा होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि विष दोष वाले इंसान ज़्यादा ऋषि मुनि होते हैं, क्योंकि जो भी बड़े बड़े महंत हो गए उसमें से 100 में से 70% लोगों को ये विष दोष था। उसका कारण क्या था कि चंद्र एक मन है, शनि एक वैराग्य है, वो कोई भी चीज़ उसको मिले या न मिले चला लेता है, तो उसको भी हम विष दोष मानते हैं। लेकिन विष दोष मुनियों के लिए अच्छा काम करता है। एक बात बता दूं कि जिस भी इंसान की कुंडली में 2 नंबर या 7 नंबर का लग्न है, यानी कि वृषभ लग्न या तुला लग्न होता है, उस जातकों के लिए शनि और चंद्र उस कुंडली में, चंद्रमा वो केंद्र या त्रिकोण का मालिक होता है और शनि एक योग कारक होता है, तो यही चंद्र शनि की युति उसको जीवन में बहुत ही आगे ले जाती है। और जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं उस जातकों में इस प्रकार का वृषभ लग्न या तुला लग्न की पत्रिका बहुत देखी गई है। तो विष दोष नेगेटिव भी इफेक्ट करता है, पॉजिटिव भी करता है, और यदि नेगेटिव करता है तो उसका उपाय ये है कि आप उसकी अच्छे पंडित के पास पूजा करवा सकते हो, और हो सके तो आप अपने पास उसका यंत्र रख के भी पूजा कर सकते हो, और अपनी माँ को और वृद्ध इंसान को यदि आप संभालोगे तो आपके लिए
वो चंद्र शनि विष दोष अच्छा बेनिफिट करेगा। और जो पैरों से तकलीफ में है, यानी पैरों उसके किसी के पैर टूट गए हैं या पैरों से अपंग है, अपाइज है, उस इंसानों की भी यदि आप सेवा करते हो तो भी ये विष दोष आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये तो कल्पेश जी ने आपको बताया विष दोष के बारे में। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होंगी। इसी के साथ दर्शकों, हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आप ही के भेजे हुए ईमेल्स की। और उससे पहले, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। साथ ही सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र और अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ, आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स अहमदाबाद, मोबाइल 9904900300।